हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे इंटेस्टिनल डाइजेशन की, यानी हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, फूड कैसे कैसे सिंप्लीफाई होता है हमारे इंटेस्टाइन। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की पूछी जाती हैं। ठीक है, और स्पेशली टेंथ के जो स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर इससे पहले वाले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं, डाइजेशन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो फिर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में है डाइजेशन इन माउथ एंड डाइजेशन इन स्टमक को पहले आप देख लीजिए, तब फिर इसको शुरू करते हैं। और अगर आप जानते हैं डाइजेशन इन माउथ एंड स्टमक तो फिर आज इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेस्टिनल डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन पहले माउथ में होगा, कुछ चीज़ों का क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा। उसके बाद स्टमक में डाइजेशन होगा, वहाँ पर भी कुछ चीज़ों का सिंप्लीफिकेशन होगा। और फिर आते हैं इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे, यानी इंटेस्टिनल डाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, अब इंटेस्टिनल डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड हमारा स्टमक में सिंप्लीफाई हो गया है, और फिर जब स्टमक में सिंप्लीफाई हुआ तो ऐसे फूड को क्या कहेंगे, काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। अब ये जो काइम है, यानी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऑफ द स्टमक, ठीक है, वो कहाँ पास आउट हो जाएगा, वो पास आउट हो जाएगा डियोडिनम में। व्हाट इज डियोडिनम, डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अब यहाँ से इंटेस्टिनल डाइजेशन की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन तीन पार्ट हैं इसके, डियोडिनम, इलियम और जेजिनम। लेकिन जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो केवल कहाँ हो रही है, डियोडिनम में हो रही है, यानी इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में हो रही है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ओवरऑल, तो इसमें से आपको कुछ चीज़ों को समझना है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आगे का सब कुछ। तो देखते हैं ये क्या है, डियोडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, डियोडिनम। इसके दो साइड हैं, एक लेफ्ट वाला साइड और एक राइट वाला साइड। तो जो लेफ्ट वाला साइड है उस तरफ क्या है, लीवर है। ये क्या है आपका, ये है लीवर, ये वाला साइड क्या है, लीवर। लीवर के अंदर है गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर के अंदर क्या आता है, बाइल जूस आता है। क्या आता है, बाइल जूस आता है। ठीक, अच्छा, अब बाइल जूस का काम क्या है ये आगे अभी हम आपको बताएंगे। और लेफ्ट साइड के बाद जब राइट साइड में आते हैं तो क्या दिखता है आपको, ये रेड कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से भी कुछ चीज़ें सेक्रीट होंगी जो कि फूड का डाइजेशन करेंगी। ठीक है, तो अब कैसे कैसे होता है, फिर से एक बार मैं आपको ये फिगर समझा देता हूँ। ये स्टमक था, स्टमक से जो आपका फूड मटेरियल है वो पास आउट हुआ कहाँ, डियोडिनम, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरफ दो चीज़ें हैं। पहली चीज, लेफ्ट साइड में आपको लीवर गाल ब्लडर दिख रहा होगा, वो कि इसमें है, लीवर में है, और उसी गाल ब्लडर के अंदर बाइल जूस होता है। ठीक है, और वहीं राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का जो डायग्राम मैंने बनाया, ये क्या है, पैनक्रियाज है। यहाँ से भी कुछ चीज़ें सेक्रीट होंगी। अब जो जो चीज़ें सेक्रीट होंगी वो आके इसी इंटेस्टाइन के अंदर फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड में मिक्सअप होती चली जाएंगी और फूड को सिंप्लीफाई करती चली जाएंगी। बस यही सारा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टफ कोई इसमें है नहीं। बस आप एक एक चीज़ों को पकड़िए और पीछे से कोरिलेट करते जाइए, डाइजेशन इन माउथ एंड डाइजेशन इन स्टमक। अगर आप उनको फिर से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, तो ये बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टमक में डाइजेशन हुआ, और स्टमक में डाइजेशन के बाद आपका फूड मटेरियल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइम में कन्वर्ट हो गया, CHYME, काइम। ठीक है, अब ये जो काइम है वो पास आउट कहाँ हुआ, डियोडिनम, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे अब डाइजेशन, इंटेस्टिनल डाइजेशन की शुरुआत हो गई। ठीक, अब इंटेस्टिनल डाइजेशन में होगा क्या, बहुत ही आसान है, तीन चीजें होंगी यहाँ पे, तीन टाइप के सेक्रीशन होंगे, तीन टाइप के जूस यहाँ पे सेक्रीट हो रहे हैं। पहला है पैनक्रीटिक सेक्रीशन, दूसरा है बाइल सेक्रीशन, और तीसरा है इंटेस्टिनल सेक्रीशन। देख लीजिए, पैनक्रीटिक सेक्रीशन आपका पैनक्रियाज से होगा, फूड में मिक्सअप होगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। दूसरा,
बाइल सेक्रीशन, ये लीवर के अंदर जो गाल ब्लैडर आपको दिख रहा है, इस गाल ब्लैडर के अंदर क्या है, बाइल जूस है। बाइल जूस भी कहाँ सेक्रीट होगा, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम के अंदर जो फूड है उसमें सेक्रीट होगा, वो भी फूड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और तीसरा है इंटेस्टिनल सेक्रीशन, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उनसे भी कुछ सेक्रीशन होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी आगे का अबाउट टू बी फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी टेंथ स्टैंडर्ड में उतना है नहीं। चलिए तो हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आता है पैनक्रीटिक सेक्रीशन। पैनक्रीटिक सेक्रीशन क्या है, ठीक है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पैनक्रीटिक सेक्रीशन से शॉर्ट नोट में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज आपको दिख रहा है, यहाँ से तीन टाइप के, कितने, तीन टाइप के एंजाइम सेक्रीट होंगे, लाइपेज, प्रोटीएज और एमाइलेज। ये तीनों कहाँ सेक्रीट हो रहे हैं, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से दो चीज़ें सेक्रीट होती हैं, एक होता है डाइजेस्टिव जूस, क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस, और एक होता है हार्मोन, क्या होता है, हार्मोन। तो जो हार्मोन है वो क्या है, इंसुलिन हार्मोन है। कैसा हार्मोन, इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन क्या है, ये ब्लड के शुगर लेवल को बैलेंस करता है, लेकिन चूंकि ये ब्लड में सेक्रीट होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये, पैनक्रियास क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें जो हार्मोन सेक्रीट होते हैं वो ब्लड के अंदर सेक्रीट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा पार्ट आया, पैनक्रियास से क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट हो रहे हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस है यही क्या है, लाइपेज, प्रोटीएज और एमाइलेज। समझ में आया, ये डाइजेस्टिव, ये तीनों क्या है, ये तीनों एंजाइम है, लाइपेज, प्रोटीएज और एमाइलेज। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जो स्टमक में डाइजेशन होता है और जो माउथ में डाइजेशन होता है, उसमें कुछ चीज़ों का डाइजेशन तो हो रहा है, वो ब्रेक डाउन तो हो रहा है, लेकिन फुली ब्रेक डाउन उनका नहीं हो रहा है, वो अपने सिंपलर फॉर्म में तो आ रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में उनका आगे डाइजेशन होगा। तो हमने बताया था कि इंटेस्टिनल डाइजेशन में ऐसा होगा। तो सबसे पहले पैनक्रीटिक सेक्रीशन में क्या होता है, तीन टाइप के एंजाइम लाइपेज, प्रोटीएज और एमाइलेज सेक्रीट होते हैं। इनका काम क्या है, बहुत ही सिंपल, देखिए लाइपेज किसका मेटाबॉलिज्म करेगा, फैट का। फैट मॉलिक्यूल जो होंगे वो किसमें ब्रेक डाउन होंगे, फैट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल। समझ में आया, जो आपका फैट मॉलिक्यूल है वो लाइपेज एंजाइम की मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल। इसको आप इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, एक तरफ आप फैट लिख लीजिए, एक तरफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल, और बीच में आपका क्या हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम हो जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बताए दे रहे हैं, ये देखिए इक्वेशन कुछ आपका इस तरीके का है, फैट कौन सा एंजाइम इसमें अप्लाई हुआ, फैट लाइपेज एंजाइम, और ये कन्वर्ट किसमें करता है इसको, फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल। यानी लाइपेज एंजाइम का काम क्या था, ये फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसराल में तोड़ देता है। समझ में आया। दूसरा है आपका प्रोटीएज, ये हो गया आपका लाइपेज, लाइपेज का काम हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका प्रोटीएज। अब प्रोटीएज क्या है, प्रोटीएज डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि प्रोटीन का डाइजेशन तो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम था उसने कर दिया था डाइजेशन इन स्टमक में, लेकिन वो क्या था, प्रोटीन जो था, प्रोटीन टूट गया था प्रोटीओज में, किसमें टूटा था, प्रोटीओज में। और ये जो प्रोटीओज है, इस प्रोटीओज का प्रोटीएज, आप एक चीज जान लीजिए, अगर सफिक्स एएसी है, सफिक्स एएसी है तो ये क्या है, ये कोई ना कोई एंजाइम है। समझ में आ गया, अगर सफिक्स एएसी लगा है तो वो कोई ना कोई एंजाइम है, जैसे लाइपेज एएसी, प्रोटीएज एएसी एंड एमाइलेज एएसी। समझ में आ गया। तो अब ये जो प्रोटीओज है, आपने देखा होगा स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था तो प्रोटीन टूटा था प्रोटीओज और पेप्टोन्स में, तो प्रोटीओज जो है इसका ब्रेकडाउन फर्दर और आगे कैसे होगा, प्रोटीएज एंजाइम की मदद से होगा। समझ में आया। ये और सिंप्लीफाई, एमिनो एसिड्स में टूट जाएंगे, किस में टूटेंगे, एमिनो एसिड्स में। समझ में आ गया, और भी फर्दर सिंप्लीफाई होंगे ये। अब अगली चीज आई, प्रोटीन का डाइजेशन किस में होगा, किससे होगा, प्रोटीएज एंजाइम की मदद से होगा।
तीसरा आपका आया एमाइलेज। तीसरा क्या आया? एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? एमाइलेज भी एक टाइप का एंजाइम ही है जो कि माउथ में डाइजेशन किसका हुआ था? सेलेवरी एमाइलेज के थ्रू स्टार्च का डाइजेशन किसमें हुआ था? माल्टोज में। किसमें हो गया था? माल्टोज में। अब इसी माल्टोज का डाइजेशन एमाइलेज की मदद से किसमें होगा? आगे शुगर यूनिट्स में हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया एमाइलेज। एमाइलेज किसका ब्रेकडाउन करेगा? माल्टोज का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, आपका जो पैनक्रीटिक सेक्रीशन है, पैनक्रीटिक सेक्रीशन से तीन टाइप के एंजाइम सेक्रीट होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज और एमाइलेज। लाइपेज लिपिड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेगा, और एमाइलेज जो शुगर मॉलिक्यूल है माल्टोज उसका ब्रेकडाउन करेगा। तो ये ओवरऑल हो गया आपका पैनक्रीटिक सेक्रीशन। अब अगली चीज हमारी जो आती है वो क्या है? अब अगली चीज आती है बाइल जूस या बाइल सेक्रीशन। बाइल सेक्रीशन, बाइल से क्या, बाइल सेक्रीशन में क्या सेक्रीट होगा? बाइल सेक्रीट होगा। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए कहाँ है, ये लीवर के अंदर गाल ब्लैडर है, और गाल ब्लैडर के अंदर क्या भरा हुआ है? गाल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस भरा हुआ है। समझ में आया? तो अब बाइल जूस का क्या रोल है हमारे डाइजेशन में? ठीक है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। जो हमारे फैट मॉलिक्यूल होते हैं, कौन? फैट मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में कौन मदद करेगा? बाइल जूस मदद करेगा। बाइल जूस का काम क्या है? जो फैट मॉलिक्यूल है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में हेल्प कौन करेगा? दोनों में हेल्प बाइल जूस करेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ लाइपेज भी यही कर रहा था। बिल्कुल कर रहा था, लेकिन फैट भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बाइल का भी काम फैट के मॉलिक्यूल को डाइजेशन के में, सॉरी, बाइल का भी काम क्या होता है? फैट के मॉलिक्यूल का डाइजेशन करना, और साथ ही साथ उसके एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करते हैं। इसका दूसरा एक और फंक्शन होता है, एक फंक्शन ये होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, उसके एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। किसके एक्सक्रीशन में? कोलेस्ट्रॉल के। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है ये भी देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान करते हैं। ये हमारी जो वेंस होती हैं, वेंस के अंदर एक तरीके से ब्लॉकेज बना लेते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो लो होने लगता है। ठीक है, तो उससे बीपी की समस्या लोगों को होती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसके एक्सक्रीशन में मदद कौन कर रहा है? यही बाइल सेक्रीशन कर रहा है। समझ में आया? तो जैसे कभी कभी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो बाइल, जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर को काट के निकालना पड़ता है, तो उस समय क्या होता है, डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको कुछ ऐसी फैटी चीज ज़्यादा नहीं लेनी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाए। तो बाद में क्या होगा, इसके एक्सक्रीशन में मदद कौन करेगा? बाइल जूस। तो वो तो आपका आ ही नहीं रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब जो है दो काम आ गए किसके? बाइल सेक्रीशन के। पहला फैट मॉलिक्यूल के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा कौन? बाइल जूस। और दूसरा एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज भी करेगा, हमारी बॉडी से खत्म भी कौन करता है धीरे धीरे? वो भी बाइल जूस ही करता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका बाइल सेक्रीशन। तीसरा है इंटेस्टिनल सेक्रीशन। इंटेस्टिनल सेक्रीशन बहुत ही छोटा है, आपको इसको हम डिटेल में इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है। ठीक है, इंटेस्टिनल सेक्रीशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। किसको न्यूट्रलाइज करता है? पावर ऑफ HCl। HCl के पावर को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। अब ये HCl कहाँ आया? आपने अगर स्टमक के डाइजेशन को पढ़ा है कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ सेक्रेट होती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलॉन्ग विद द फूड मिक्सअप होती रह, फूड में मिक्सअप हो जाएगी, और अलॉन्ग विद द फूड वो आगे इंटेस्टाइन में भी ट्रांसफर होती है। तो जो HCl आ गया है स्टमक के डाइजेशन के बाद, फूड स्टमक के डाइजेशन
के बाद फूड के साथ इंटेस्टाइन में आया है वही HCl जो है वो न्यूट्रलाइज किसके थ्रू होगा, इंटेस्टिनल सेक्रेशन के थ्रू होगा। तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, इंटेस्टिनल डाइजेशन हो गया, यानी कि इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। फिर से एक बार आप सम अप कर देते हैं, ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको कहते हैं डियोडिनम। इसके लेफ्ट साइड में आपका क्या है, लीवर है, लीवर के अंदर गाल ब्लडर, गाल ब्लडर के अंदर बाइल जूस भरे हुए होते हैं, ठीक है। और राइट साइड में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास से दो चीज़ें होती हैं, एक तो हार्मोनल सेक्रीशन होता है, एक डाइजेस्टिव जूस का सेक्रीशन होता है। हार्मोन क्या होगा, इंसुलिन, जो कि ब्लड में सेक्रेट होगा और वो क्या करेगा, ब्लड के शुगर लेवल को बैलेंस करेगा, लेकिन ये डाइजेशन में इसका कोई रोल अभी नहीं है। तो फिर डाइजेस्टिव जूस वो कौन कौन से, डाइजेस्टिव जूस तीन, लाइपेज, प्रोटीएज और एक एमाइलेज। मैं शॉर्ट में आपको फिर से बता देता हूँ क्योंकि अभी हमने डिटेल बताया। लाइपेज किसका, फैट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेगा, और एमाइलेज किसका करेगा, माल्टोज यानी शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेगा। तो ये हो गया पैनक्रीटिक सेक्रीशन। हाँ, पैनक्रीटिक सेक्रीशन पर डे 500 to 1000 ml, यानी कि ये अबाउट टू बी आधा से एक लीटर तक पर डे सेक्रीट होता है पैनक्रीटिक जूस। दूसरा है आपका बाइल सेक्रीशन। बाइल सेक्रीशन जो है वो कहाँ से सेक्रीट होंगे, गाल ब्लडर से। इनका काम क्या है, इनका काम है फैट और जो फैट मॉलिक्यूल है हमारे उनका डाइजेशन भी करना और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करना, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के एक्सक्रीशन में भी ये मदद करते हैं। अब बाइल जूस जो है हमारे ये अबाउट टू बी 3 लीटर, 3 लीटर पर डे, 3 लीटर पर डे सेक्रीट होते हैं बाइल जूस, समझ में आया। फिर उसके बाद में तीसरा है, उसके बाद में तीसरा क्या है, इंटेस्टिनल सेक्रीशन। इंटेस्टिनल सेक्रीशन में क्या होता है, जो आपका HCl अलॉन्ग विद द फूड स्टमक के डाइजेशन के बाद आ गया है इंटेस्टाइन में, तो वो जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम क्या क्या है, इट न्यूट्रलाइज द पावर ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये काम कौन करता है, ये करता है इंटेस्टिनल सेक्रीशन, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप के एंजाइम है जो कि डिटेल में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले भी मैंने बताया लेकिन आप फिर से समझ लीजिए कि आपके 9th और 10th का CBSE ICSE बोर्ड के जितने भी बायोलॉजी के सिलेबस हैं हर चैप्टर का एक एक टॉपिक डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा और फर्स्ट ईयर के भी टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। और वो कॉम्पिटेटिव लेवल से आपको बिल्कुल मैच करेंगे, लगेगा कि हाँ हमारे आगे कंपटीशन में अगर हम भाग लेते हैं तो फिर वो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।